Hello student, welcome to Sun class. Today we are going to study about soil conservation, the last topic of your chapter, resources and development. हम लोगों ने इसे previous वाले video lecture में पढ़ा. Almost सभी topics को हम लोगों ने cover कर लिया है. Types of soil, land degradation, types of land and जितने topic, each and every topic we have covered in the previous video lecture. So आज ये chapter का हम लोग last video में जा रहे हैं. ये लास्ट टॉपिक है सॉयल कंजर्वेशन. इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सॉयल इरोजन को पढ़ा कि हाउ डज इट टेक प्लेस एंड व्हाट द टाइप ऑफ सॉयल इरोजन, व्हाट आर द काउजेज ऑफ सॉयल इरोजन, व्हाट इज इट इफेक्ट ऑफ सॉयल इरोजन. आई होप कि वो वाली वीडियो आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी. एंड अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में सारा वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा. आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपका ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाए, क्योंकि इसमें मैंने पिक्चर्स भी दिए हैं. ये सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करते वक्त मैंने पिक्चर्स भी दिए हैं ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए. सो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं सॉइल कंजर्वेशन. सॉइल व्हाट इज मींस ऑफ बाय मींस ऑफ कंजर्वेशन. तो कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को संरक्षित करना, मतलब उसको एक तरह से हम लोग अगर बोलचाल वाली भाषा में बात करें तो उसको हिफाजत से रखना, बचा के रखना. ठीक है, तो सॉइल कंजर्वेशन का भी हम लोगों को ज़रूरत पड़ गया. क्यों पड़ा? क्योंकि सॉइल बहुत ज़्यादा इरोजन होने लगा था सॉइल का. एंड एज वी ऑल नो कि हम लोगों के 75% हम लोग एग्रीकल्चर पर बेस्ड है. एंड जो एग्रीकल्चर होता है ऑब्वियसली वो सॉइल उसका बेस होता है. मिट्टी ही अगर फर्टाइल नहीं हो तो क्या होगी, एग्रीकल्चर हमारी उतनी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी. इसी वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो. ओके, तो इसीलिए अब हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से सॉइल क्या है, सॉइल का इरोजन हो रहा है, बहुत सारे काउजेज हम लोगों ने पढ़े. तो ज़रूरी हो गया कि हम लोग सॉइल को कंजर्व करें. ये क्या करता है सॉइल कंजर्वेशन, जो वो ये सॉइल को प्रिवेंट करता है, बचाता है इरोजन से. सॉइल कंजर्वेशन क्या करता है, सॉइल को इरोजन से बचाता है. ठीक है, सॉइल कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इट सेव द सॉइल थ्रू हार्श वेदर. जो हार्श वेदर होता है, रफ़ वेदर, जो अच्छा मौसम नहीं होता है, यानी कि जैसे कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गया या बहुत ज़्यादा सनलाइट हो गया, धूप हो गया, गर्मी का दिन हो गया, बहुत ज़्यादा ड्राई वेदर हो गया या फिर बहुत ज़्यादा विंडी वेदर हो गया, तो हार्श वेदर होता है उससे सॉइल को ये बचाता है और इरोजन को स्टॉप करता है. और ये और भी क्या करता है कि सॉइल को कंजर्व करता है ताकि सॉइल का जो न्यूट्रिएंट्स है, हर सॉइल का अपना अपना न्यूट्रिएंट्स होता है, वो बचे रह सके, हम लोग जानते हैं. एंड इसीलिए सॉइल को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है टू ग्रो मोर क्रॉप्स. जितना ज़्यादा हम लोग सॉइल को कंजर्व करके रख सकेंगे उतना ही हम लोग क्रॉप कल्टिवेशन में हम लोग और अधिक डेवलप करेंगे. ठीक है, तो लेट्स गो थ्रू द मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन. क्या क्या मेथड्स हम लोग देख लेते हैं. फर्स्ट मैटर्स अफॉरेस्टेशन. देखो, जो अफॉरेस्टेशन होता है, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि पेड़ लगाना. अभी क्या है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत सारे ये जो हम लोग जानते हैं ट्रीज़ क्या करती है, रूट को, जो रूट्स होते हैं ट्रीज़ के, वो क्या करते हैं, वो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं ना. जो भी ट्रीज़ के जो रूट होते हैं वो ये क्या करते हैं, ये सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, उसके रूट्स, ट्री के रूट है ना. तो क्या होते हैं, सॉइल इधर से उधर नहीं हो सकती है, चाहे वो बारिश भी हो, आंधी भी क्यों ना हो, ये विंड की वजह से या वाटर की वजह से सॉइल का जो टॉप लेयर उड़ जाता है तो वो चीज़ रुक जाता है ट्रीज़ के होने की वजह से. बिकॉज ये क्या करते हैं, ये अपने रूट्स में सॉइल को होल्ड करके रखते हैं. तो इसी वजह से जितना ज़्यादा अफॉरेस्टेशन होगा, जितना से ज़्यादा हम लोग जब ट्रीज़ को प्लांट करेंगे तो क्या होगा, उतने ही ज़्यादा हम लोग को सॉइल को होल्ड करने में, उसे कंजर्व करके रखने में वो हेल्पफुल होगा. नेक्स्ट मेथड होता है टेरेस फार्मिंग. देखो, टेरेस फार्मिंग क्या होता है, ये मोस्टली हिली एरिया में होता है, यानी कि सेंट्रल एंड वेस्टर्न माउंटेनियस एरिया में, जो हिली एरिया होता है तो वहाँ पे प्लेन्स तो होते नहीं हैं, वहाँ पे होते हैं हिल्स. तो हिल्स को वहाँ पे खेती करने के लिए क्या होता है, टेरेस के जैसा, वहाँ पे टेरेस मतलब एक सीढ़ी नुमा खेत बोल सकते हो हिंदी में, तो वहाँ क्या होते हैं, वहाँ पे ये बना दिए जाते हैं. ठीक है, ये ऐसे सीढ़ी नुमा खेत क्या है, वहाँ पे बना दिए जाते हैं. ठीक है,
तो वाटर क्या होती है, जब क्योंकि हम लोग जानते हैं हिल से बारिश की पानी अगर आएगी तो ये तो सीधे नीचे चली जाएगी, सारे मिनरल्स को भी बहा के लेके जाएगी, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। इसलिए हम लोग इस टाइप के जो टेरेस फार्मिंग में ऐसे खेत डिज़ाइन किए जाते हैं, इस टाइप के ये खेत होते हैं जो सीढ़ीनुमा होते हैं, एंड यहाँ पे क्या होती है वाटर फ्लो हो जाती है, जो वाटर का फ्लोइंग होता है रनिंग वाटर का वो स्लो हो जाता है, एंड विंड का जो फ्लो होता है वो सारा कुछ क्या होता है स्लो हो जाता है, एंड यहाँ पे हम लोग कल्टीवेशन करते हैं। तो टेरेस फार्मिंग की वजह से सॉइल इरोजन भी नहीं होता है और वो कंजर्व रहता है, क्यों, क्योंकि मिट्टी की जो सॉइल है वो यहाँ पे जो ये बेस प्रोवाइड हो रही है जो खेती के लिए, यहाँ पे ये सारा जगह पे क्या होता है यहाँ पे आके रुक जाता है, समझ रहे हो, यहाँ पे आके वो रुक जाता है। तो इस तरह से ये वर्क करता है टेरेस फार्मिंग इस तरह से उसको होल्ड करके रखता है, ठीक है। इसको हम लोग इमेज में देख लेते हैं, ये देखो, समझ रहे हो, यहाँ पे क्या है, ये सीढ़ीनुमा खेत है जैसे मैंने अभी बताया, एंड यहाँ पे ये सारे जब वाटर का फ्लो होता है तो यहाँ आते आते वाटर स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से वो सॉयल के टॉप मोस्ट लेयर को नहीं बहा सकता है, तो वो बचा रह जाता है। मोस्टली यहाँ पे जैसे खेती होता है आपका कॉफ़ी टी वगैरह का खेती यहाँ पे होता है। एंड नेक्स्ट थिंग क्या है, विंड ब्रेक और सेंटर बेल्ट। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं और कंजर्वेटिंग मेथड में, तो हम लोग सेल्टर बेल्ट्स को लगा सकते हैं, इसको हम लोग विंड ब्रेक भी बोलते हैं। देखो हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था ना किस तरह से विंड से नुकसान पहुँचता है, तो उसको रोकने के लिए एक कोशिश है सेल्टर बेल्ट। ये क्या होती है, जैसे कि आपका खेत है, ठीक है, और उसके बाद उसके चारों तरफ या आपने क्रॉप्स लगाए हुए हैं, तो क्या करना है उसके चारों तरफ आपको प्लांट या ट्रीज़ को क्या करना है ना, लगा देना है, ठीक है, उसके चारों तरफ ट्रीज़ को प्लांट कर देना है। तो इससे क्या होगा, जो विंड जो फोर्सली आएंगे, है ना, जो विंड फोर्सली आएंगे वो क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, वो रुक जाएंगे, क्यों, क्योंकि वो ट्रीज जो रहेगी वो विंड को रोक देगी, ठीक है। तो इसी वजह से देखो ये है, ये आपके क्रॉप्स लगाए हुए हैं एंड यहाँ पे ट्री प्लांट किया हुआ है, तो इसको सेल्टर, इसी को हम लोग सेल्टर बेल्ट बोलते हैं। तो ये क्या करती है, जो फोर्स से विंड आता है उसको ये ट्रीज रोक देती है, एंड जो तो ये जो सॉइल की जो अपर लेयर होता है उसको विंड उड़ा के नहीं लेके जा सकता, तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सॉइल को कंजर्व करें एंड ये सेल्टर बेल्ट को प्लांट करें, इसको विंड ब्रेक भी बोला जाता है। नेक्स्ट थिंग है स्ट्रिप क्रॉपिंग। इसमें क्या करते हैं, हम लोग स्ट्रिप बनाते हैं क्रॉप्स को, हम लोग स्ट्रिप बना के, जैसे कि ये लाइनिंग बना बना के इसको हम लोग करते हैं। क्या होता है इससे फ़ायदा, ये जो रूट्स होते हैं, ठीक है, ये प्लांट्स के यहाँ पे सपोज हम लोगों ने प्लांट्स को लगा लिया, अब इसको जो रूट्स यहाँ पे है, तो ये रूट्स आपस में एक दूसरे को नीचे पकड़ के रखी हुई है, सारे रूट्स आपस में नीचे मिले हुए हैं, तो जिसकी वजह से ये जो सॉयल है तो ये क्या है, ये उड़ के या विंड होगा तो इधर से उधर जाएगा नहीं, या फिर बारिश में भी ये यहाँ पर स्थिर रहेगा, मतलब क्योंकि ये नीचे से जो इन ये प्लांट्स के जो नीचे से रूट गए हैं तो इनको ये सॉइल को ये पकड़ के रखे हुए, होल्ड करके नीचे से रखे हुए हैं, तो इससे विंड से या फिर वाटर से इसको अफेक्ट कम पड़ेगा, बहुत कम पड़ेगा। तो इस तरह से जो स्ट्रिप क्रॉपिंग है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके सॉइल को होल्ड करके रखने में, और इसके न्यूट्रिएंट्स भी बने रहते हैं इस तरह से। नेक्स्ट थिंग है मल्चिंग। तो मल्चिंग क्या होता है, जब हम लोग सॉइल को ऐसे कवर अप करके रखते हैं, उसमें इस प्रोसेस में क्या होता है कि प्लास्टिक सीड से, या फिर जिन लोगों के पास प्लास्टिक सीड एक आता है या जिन लोगों के पास नहीं, वो इस तरह से सॉइल को कवर कर देते हैं। देखो इससे इसमें क्या होता है कि सनलाइट भी नहीं आ पड़ता इसमें डायरेक्ट, एंड इसमें वाटर फोर्स भी नहीं पड़ता डायरेक्ट, एंड विंड फोर्स भी नहीं पड़ता है डायरेक्टली, क्योंकि ये जो सॉइल है इस तरह से उसे कवर अप करके रखा जाता है, देख सकते हो इमेज में, है ना। तो ये होता है आपका मल्चिंग। ये क्या होता है, इसको किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है, ताकि जो वैसे वाले जगह पे जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपका विंडी एरिया जो है, या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल्स होते हैं, तो वैसे वाले एरिया में ये वाला मेथड्स अपनाया जाता है, ताकि या फिर जो बहुत ड्राइड रीज़न है जहाँ पे सनलाइट बहुत डायरेक्टली पड़ता है, तो उस तरह के रीज़न में ये वाले मेथड्स अपनाए जाते हैं, ताकि अपने क्रॉप्स को या सॉइल को कंजर्व करके रख सके, क्रॉप्स को बचा के रख सके। देख सकते हो किस तरह से सॉइल को कवर अप किया गया, ठीक है।
तो ये दोनों समझ में आ गया। एंड इसके बाद चलते हैं हम लोग, इसके बाद है कंटूर प्रोविंग। तो कंटूर प्रोविंग क्या होता है, देखो ये जस्ट टेरेस फार्मिंग की तरह दिख रहा है बट ये टेरेस फार्मिंग नहीं है। तो ये क्या चीज़ है इसको हम लोग अभी समझ लेते हैं। ये है जैसे कि ये माउंटेन है, तो ये माउंटेन के चारों तरफ लगाया जाता है, ठीक है, इस तरह से। टेरेस फार्मिंग में हम लोगों ने देखा कि वहाँ तो हम लोग सीढ़ी बना देते हैं, ऐसा सीढ़ी बना के करते हैं, लेकिन हम लोग इसको कंट्रोल प्रोविंग में क्या करते हैं, ये माउंटेन इसको हम लोग चारों तरफ इस तरह से खेत बनाते हैं, सीढ़ी बनाते हैं। एंड ये जैसे कि टेरेस फार्मिंग में क्या होती है, इसको जो स्लॉप्स होती है, किनारा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा उठा हुआ होता है, ठीक है। जैसे कि ये बनाएं तो ये बहुत ही ज़्यादा उठा हुआ उसका किनारा होता है, ये वाला, ठीक है। बट इसमें क्या होती है, इसमें उतना ज़्यादा उठाव नहीं होता है, इसमें प्लेन ही टाइप होता है, थोड़ा थोड़ा किनारा निकाला जाता है। एंड ये इसकी खेती कुछ इस तरह से होती है, हिल में इस तरह से इसकी खेती होती है, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट थिंग, ये समझ में आ गया आप लोगों को, इसको हम लोग थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करके देख लेते हैं। ये देखो, देख रहे हो किस तरह से ये हिली एरिया, स्मॉल हिल्स में भी ये पॉसिबल है। एंड ये हिल्स के चारों तरफ दिख रहा होगा, ये पूरे हिल के अराउंड अराउंड क्या होते हैं, इस तरह से खेती किए जाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कंटूर प्लोइंग बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट थिंग क्या है, मैनेरिंग एंड क्रॉप रोटेशन। मैनेरिंग मतलब खाद होता है, तो ग्रीन मैनेरिंग होती है, जो देख सकते हो ये क्या है, ग्रीन मैन्योर है। तो इसको क्या किया जाता है, जब लोग क्रॉप प्लांटेशन करते, क्रॉप्स प्लांट मतलब कि फसल बोते हैं, तो साथ साथ में इसको भी वो प्लांट कर दिया जाता है, ताकि क्या हो, ताकि वो उसको ताकि खाद क्या हो मिलते रहे, ठीक है। इस तरह से उसको प्लांट कर दिया जाता है साइड साइड वो क्रॉप्स के साथ ही साथ, ओके। एंड इसके बाद क्या है नेक्स्ट थिंग, क्रॉप रोटेशन। देखो ये है क्रॉप रोटेशन, इसमें क्या करते हैं हम लोग क्रॉप्स को रोटेट करके, जैसे कि इसमें हम लोग फील्ड को खाली नहीं छोड़ते हैं। अगर हम लोगों ने राइस लगाया तो उसके बाद फिर उसमें मेज़ बो देंगे, फिर मेज़ हो गए तो उसमें हम लोग पोटैटो बो देंगे, तो वो क्रॉप क्या करते हैं हम लोग रोटेट करते रहते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि फील्ड खाली नहीं होता है और उसमें ये और क्रॉप्स रहता ही है, तो फील्ड खाली नहीं होने की वजह से वहाँ पे विंड और वाटर से सॉइल को नुकसान नहीं पहुँचता है। क्योंकि देखो जहाँ पर खाली जगह होगा वहीं तो ज़्यादा फोर्सली विंड और वाटर काम कर सकेंगे, बट ये तो ऑलरेडी भरा हुआ, तो यहाँ पर फोर्स विंड और वाटर का फोर्स स्लो हो जाएगा। तो इसीलिए क्रॉप्स रोटेशन भी क्या है, एक बहुत अच्छा कंजर्विंग मेथड्स है। तो ये हम लोगों ने इतने सारे कंजर्विंग मेथड्स को पढ़े, अफॉरेस्टेशन, टेरेस फार्मिंग, विंड ब्रेक, स्ट्रिप क्रॉपिंग, मल्चिंग, कंटूर प्लॉइंग एंड मैनेजिंग एंड क्रॉप रोटेशन। आई होप कि ये सारा कंजर्विंग मेथड्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये क्या है, हमेशा हमारे जो कंट्री है उसमें ये सब अप्लाई होते हैं, ताकि हमारे जो सॉयल है उसको हम लोग कंजर्व करके रख सकें, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।